नमस्कार दोस्तों, अगर आप चाहते हैं महेंद्र सिंह धोनी 2019 का वर्ल्ड कप खेलें तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच विशाखापट्टनम में आज पहला T20 में मुकाबला खेला जा रहा है, जिसमें से टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम ने 4 ओवर में 1 विकेट के नुकसान पर 31 रन बना लिए हैं। KL राहुल 21 रन और विराट कोहली ने 5 रन बनाकर क्रीज पर मौजूद हैं। पहले बल्लेबाजी करने उतरी टीम इंडिया की शुरुआत काफ़ी निराशाजनक रही। सलामी बल्लेबाज रोहित के रूप में टीम इंडिया को पहला झटका लगा। तीसरे ओवर की दूसरी गेंद पर जेम्स बॉन्डर ने रोहित शर्मा को एंटे जंपा के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन की राह दिखाई। भारतीय कप्तान विराट कोहली ने पहले मुकाबले में KL राहुल के लिए प्लेइंग 11 में शामिल किया गया, जबकि सलामी बल्लेबाज शेखर धवन को रेस्ट दिया गया। वहीं विजय शंकर को इस मुकाबले में पहला मौका नहीं दिया गया। पिछले बार जब टीम इंडिया ने ऑस्ट्रेलिया दौरे पर थी तो बारिश ने कंगारुओं की लाज बचा ली थी। 3 मैचों की T20 सीरीज के लिए 1-1 से बराबर होकर छुट्टी थी। इस वीडियो में बस इतना ही, और क्रिकेट से जुड़ी ऐसी खबरें रोजाना पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।